गाइस, वेलकम टू कविताज प्लेट। आज हम बनाएंगे आपकी स्किन, हेयर, नेल्स सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, आपको बहुत अच्छा वेट लॉस देने वाले और आपको प्रोटीन का बूस्ट देने वाले प्रोटीन रिच लड्डू। ये मैं आज ऑयल फ्री और शुगर फ्री बना रही हूँ ताकि ये आपको बहुत अच्छा वेट लॉस भी दे सके। तो इसके लिए मैंने इसमें शुगर की रिप्लेसमेंट में ये किशमिश और अंजीर और ये खजूर यानी कि डेट्स को ऐड किया है। ये मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं 2 टेबलस्पून, सनफ्लावर सीड्स और मेलन सीड्स, ये तीनों 2-2 टेबलस्पून लिए हैं। अगर इनमें से कोई आपके पास सीड्स नहीं अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन्हें आपको ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा ही भूनना है। पम्पकिन, सनफ्लावर, मेलन, सिसमे सीड, ये विटामिन और मिनरल्स के भंडार हैं। ये देखिए, ये फूल गए हैं और ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। बस हमें इसे इसी स्टेज तक भूनना है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन में मैं ये ड्राई कोकोनट यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 2 टेबलस्पून, इसे भी इसी पैन में ड्राई रोस्ट कर लूंगी। आपको इन सबको लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनना है जिससे कि ये जले ना। कोकोनट एक हेल्दी फैट का और नेचुरल फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। ये इट इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ, इट गिव्स यू वेट लॉस एंड इम्प्रूव्स योर डाइजेशन। कोकोनट भुन गया है, ये देखिए इसने हल्का सा कलर चेंज कर लिया है और ये बिल्कुल लाइट हो गया है, यानी कि इसमें जो भी मॉइस्चर था वो निकल गया है। इसे भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये मैंने 1/2 कप बादाम लिए हैं, इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये पिस्ता लिया है 2 टेबलस्पून, इसे भी इसी के साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप नट्स अपनी चॉइस के कोई से भी ले सकते हैं और उनकी क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। बादाम और पिस्ता प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं, दे आर रिच इन फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारे बादाम और पिस्ताचू एकदम अच्छे भुन गए हैं। ये देखिए, ये क्रैक होने शुरू हो गए हैं और इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। हमारा नट्स को भूनने का मेन मकसद यही होता है कि हम इसमें से एक जो नटी फ्लेवर है वो एनहेंस हो जाए और ये थोड़े क्रंची हो जाए जिससे कि ये ज़्यादा टेस्टी लगे और इनका जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। इसे भी इस प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं 1/4 कप, इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इसी के साथ ही ये फ्लैक्स सीड्स लिए हैं 2 टेबलस्पून, इन्हें भी इसके साथ ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको भी प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। ये बादाम और पिस्ता ठंडे हो गए हैं तो मैं इन्हें थोड़ा दरदरा कूट लूँगी। आप इन्हें मिक्सी में पीस भी सकते हैं बट मुझे ये थोड़े क्रंची मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं इन्हें कूट के लूँगी। इन्हें मैंने ऐसे दरदरा कूट के ले लिया है, इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और बाकी के नट्स को भी हम कूट लेंगे। ये कोकोनट भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। ये सीड्स को मैं मिक्सर के जार में डालकर इसे पल्स पे ग्राइंड करेंगे जिससे कि ये दरदरे पिस जाएं। ये देखिए, ये ऐसे दरदरे पिस गए हैं, इन्हें भी इसमें ऐड कर देंगे। ये फ्लैक्स सीड्स और सिसमे सीड्स को भी मैं ऐसे ही पल्स पे हल्का सा पीस लूँगी। ये भी हल्के पिस गए हैं, इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून मूंगफली ली है, इन्हें भी हम रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली भुन गई है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। मूंगफली ठंडी हो गई है, इसके ऐसे छिलके निकाल लेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे छिलके के साथ भी पीस सकते हैं। ये इस तरह से हमने ये मूंगफली के सब छिलके निकाल लिए हैं। अब ये छिलकों को हटा देंगे और मूंगफली को हम पीस लेंगे। हमने मूंगफली को ऐसे दरदरा पीस के ले लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून खसखस ली है यानी कि पॉपी सीड्स, इन्हें भी मैं इसमें रोस्ट करूँगी। इसके लिए मैं 1/2 टीस्पून घी लूँगी, देसी घी। इसमें ये खसखस डाल देंगे और इसे स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। पॉपी सीड्स यानी कि खसखस आपके स्किन और हेयर हेल्थ को भी बहुत बूस्ट देते हैं एंड दे हेल्प इन ट्रीटिंग हेडेक्स, कफ्स एंड अस्थमा। खसखस थोड़ी ठंडी हो गई है, इसे भी मैं ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पीस लूँगी। इसी के साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून किशमिश डाल लूँगी। ये मैंने 4 अंजीर और 8-10 खजूर ली हैं और ये जो हमने डेट्स को छोटा काट के लिया था इसकी गुठली हटा के, तो ये भी हम में ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा छोटे टुकड़ों में काट के इसे भी मिक्सर में ऐड कर देंगे।
आप अंजीर को स्किप भी कर सकते। इन सबको पीस लेंगे। ये अच्छी तरह से पिसके पेस्ट बन गया है, इसे हम अपने मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन लड्डुओं में डेट्स प्रेफर की हैं। वैसे आप डेट्स की जगह हनी या फिर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। आप गुड़ की एक तार की चाशनी बना के भी ये लड्डू बना सकते हैं। डेट्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नेचुरल स्वीटनर। दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, रिच इन फाइबर एंड हाई इन डिजीज फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हाथों को घी से ग्रीस कर लेंगे और ये छोटा छोटा पोर्शन लेते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। तो ये लड्डू हमारे लिए परफेक्ट हैं। ये हमें वेट लॉस देंगे, हमारे हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, हमारे स्किन को नॉरिश करेंगे, हमारी स्किन ग्लो करेगी, हमें अच्छा डाइजेशन मिलेगा और हमें बहुत सारी प्रोटीन और फाइबर मिलेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हमें इन लड्डुओं को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। तो लीजिए दोस्तों, कविता प्लेट रेडी है हेल्थ बेनिफिट से भरपूर इस खजाने के साथ। इसे बनाइए, अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए, सबको खिलाइए और सबसे वाह वाह पाइए।